हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स प्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स प्लायर, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का ब्रांड न्यू लेक्चर आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें अपन देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टू मेन टॉपिक। अब अलजेब्रा में अपन क्या देखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोथ दोनों भी चीज़ देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन देख के एक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आज क्या कर लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो अपन क्लियर अप कर लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। अगर मैं आपको सिंपली एक बार क्या करती हूँ, शॉर्टकटली बता देती हूँ विथ द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा होता है, फिर अपन एग्जाम्पल लेकर जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास जो है टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेती हूँ। सपोज मेरे पास एक जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मेरे पास जो जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज टू भी मेरे पास है, वो ए प्लस आई बी। ओके, तो अब जेड वन है तो अपन क्या कर लेते हैं, ए वन प्लस आई बी वन, और जेड टू है तो अपन यहाँ पर कर लेते हैं ए टू प्लस आई बी टू। ओके, अब इन दोनों की क्या करनी है, मुझे एडिशन करनी है। तो इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएंगी, जेड वन प्लस जेड टू इक्वल्स टू ए वन प्लस आई बी वन प्लस ए टू प्लस आई बी टू। समझा आपको ये कैसा हो गया। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है, आपको जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लेना है और जो रियल पार्ट है उसको साथ में ले लेना है। मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस आई बी वन प्लस आई बी टू। समझा, अब ए वन प्लस ए टू रियल पार्ट है तो उसको एक साथ में लिख लो, क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस, अब यहाँ पर दोनों में आई क्या है, कॉमन है, तो अपन ले लेंगे यहाँ पर आई बी वन प्लस बी टू। समझा आपको ये, तो ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर आपके पास ऐसे किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको अगर एडिशन करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, रियल से रियल की एडिशन कर लो और उसके बाद में इमेजिनरी पार्ट का आई कॉमन निकाल के उनके रियल नंबर की एडिशन कर लो। सिंपल है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझ जाएगा आपको क्या है। चलिए राइट डाउन करिए एग्जाम्पल को। अपने पास फोर कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू लो, थ्री लो, फोर लो, अपने मर्जी पे है। तो मैं यहाँ पर फोर कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ, तो आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है। मैं चारों भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो मेरे पास है जेड वन इक्वल्स टू टू प्लस थ्री बाय टू आई, उसके बाद में मेरे पास जेड टू इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस सेवन बाय फोर आई, फिर है मेरे पास जेड थ्री इक्वल्स टू फाइव बाय फोर माइनस एट बाय थ्री आई। ओके, और फिर मेरे पास है जेड फोर जो कि है माइनस एलेवन बाय टू माइनस ऑफ आई। अब आपको क्या करना है, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड फोर, चारों भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। ओके, तो अब एडिशन करनी है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जेड इक्वल्स टू आपको एडिशन जो है वो मिल रही है जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड ऑफ फोर। तो अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री बाय टू आई प्लस माइनस फाइव प्लस सेवन बाय फोर आई प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइव बाय फोर माइनस एट बाय थ्री आई प्लस माइनस एलेवन बाय टू माइनस ऑफ आई। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा, रियल रियल को एक साथ मिला लो। अब रियल नंबर यहाँ पे कौन कौन से है, यहाँ पर रियल है टू, ये है फाइव, ये है फाइव बाय फोर और यहाँ पर है माइनस एलेवन बाय टू, तो ये ले लो साथ में। तो क्या हो जाएगा, टू प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव फिर प्लस फाइव बाय फोर और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एलेवन बाय टू। ये आपका हो गया रियल पार्ट एक ब्रैकेट में। ओके, देन अपन क्या करेंगे, अब दूसरा लेंगे, दूसरा मीन्स क्या, इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट को मैंने क्या बोला था आपको कि आई कर लेना है कॉमन, तो यहाँ पर आएगा प्लस थ्री बाय टू, यहाँ पर क्या है सेवन बाय फोर, प्लस सेवन बाय फोर माइनस एट बाय थ्री माइनस आई है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, वन आई होगा, तो माइनस वन और ये आपका आई कॉमन। अब बस सिंपल इसकी एडिशन कर लो। अब इसकी एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिंपल एडिशन कर लेती हूँ। तो टू माइनस फाइव क्या हो जाएगा, माइनस थ्री,
प्लस 5/4 माइनस 11/2। अब इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, यहाँ पर 1 है, ओके कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा 1। अब इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अपन सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो ये जो अपना इमेजिनरी पार्ट वाली एडिशन है उसमें भी क्या होगा, वही चीज़ होने वाली है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको फर्स्टली डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को सेम करना है तो इसका जो एलसीएम है तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा फर्स्ट का, ओके मतलब 4 अपन तीनों भी डिनोमिनेटर को 4 कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे 1 को 4 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 4 ये 4 है, ओके फिर प्लस 5/4 वैसे की वैसा, माइनस 11 × 2 किया तो 2 × 2 करेंगे फिर आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर सबका 4 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 12, है ना। तो 12 अगर एलसीएम है तो इसको देखो अब क्या हो जाएगा, 3/2 को 2 को 12 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7 को अगर 12 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपने 7th-8th में पढ़ा है ओके, तो आपको आना चाहिए, तो माइनस 8 × यहाँ पर क्या कर दोगे, 4 कर दोगे तो 3 × वापस 4, और फिर यहाँ पर माइनस 12/12 कर देंगे, ओके मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/12, इसलिए क्योंकि 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आई, समझा। अब इसको करो सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, सारे के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 4 लिख लूँ कॉमन निकाल के, ओके अब ये क्या है, माइनस 3 × 4 क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 5 और माइनस 11 × 2 22, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, 12 लिख लिया कॉमनली, फिर 3 × 6 3 × 6 क्या हो जाएंगे, 18 प्लस 7 × 3 क्या हो जाएंगे, 21 माइनस 8 × 4, अब ये माइनस क्यों लिया, ये अपन माइनस है इसलिए, 8 × 4 = 32 और माइनस 12, बस इसे सॉल्व करो, अब ये आया आपका वैसे कि वैसा, तो इसको सॉल्व करोगे अब आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा, माइनस 12 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, माइनस 12 प्लस 22 कितने हो जाएंगे आपके पास, माइनस 34 प्लस 5/4, ओके देन प्लस, अब यहाँ पर क्या कर लोगे अपन, 18 प्लस 21 कर लो, क्या हो जाएगा आपके पास, 39 माइनस 32 माइनस 12, माइनस 32 माइनस 12 मतलब दोनों भी साइन कॉमन है सेम है, तो अपन उसकी क्या करेंगे एडिशन, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 44 डिवाइड बाय 12 और ये यहाँ पे आपका आए, तो अब इसका आंसर जो है यहाँ पर मैं ऊपर लिख लेती हूँ, प्लेस कम है इसलिए ओके, तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या आया, माइनस 29/4 प्लस माइनस ऑफ 5/12 आए, ओके तो इसी को अपन लिख सकते हैं, माइनस 29/4 माइनस 5/12 आए, तो दिस इज योर आंसर ऑफ एडिशन, ओके आपके पास Z1 Z2 Z3 और Z4 चारों दिए वाले थे और उसमें से आपने क्या किया, सिंपली उसको एडअप किया। एडअप करते वक्त आपको एक बात याद रखनी है कि रियल नंबर को साथ में लेना है और इमेजिनरी पार्ट के रियल नंबर को साथ में लेना है, और इमेजिनरी जो आपका नंबर है आयोटा जो है उसको कॉमन वहाँ पर रखना पड़ेगा और सिंपल एडिशन आपको करनी है, ओके। और हाँ एक बात, ये जो क्वेश्चन है उसका आपका होमवर्क क्या है कि यही क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्शन करके लाना है, ओके जब मैं सब्ट्रैक्शन बताऊंगी, अभी मैं सब्ट्रैक्शन बताने वाली हूँ, तो सब्ट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसकी आप एडिशन कर आंसर देखना, चेकआउट करना, ओके समझा आपको ये, तो एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर है, कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ओके और हाँ ये प्रॉब्लम मैंने अभी का एक ही लिया है, HK दास बुक से लिया है, और अपन बाद में जो है जब अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों भी हो जाएंगे तब अपन उसके अलजेब्रा ऑफ मतलब सॉल्वेशन लेंगे, तब उसमें अपन ने को चारों भी चीज़ों का यूज करना पड़ने वाला है, तो आगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ मैं, तो स्टे ट्यून रहना वीडियोज के लिए, ओके एडिशन समझ गई, अब अपन जाएंगे सब्ट्रैक्शन की ओर। सो नाउ अब अपने को करना है सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी आपको एक बात रखनी है, अगर आपके पास Z1 कोई भी एक नंबर है a1 प्लस b1 है और Z2 आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस b2 ऑफ i, ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर आपको क्या बोला
Z1 से Z2 क्या करना है, माइनस करना है. आपको क्या बोला कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट Z1 फ्रॉम Z2. तो आपको क्या करना है, Z1 को Z2 से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स आपको Z2 माइनस Z1 करना है. अब अगर आपने Z2 माइनस Z1 कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएंगे, A2 प्लस B2i माइनस A1 प्लस B1i मिला. मीन्स अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, साथ में लिख लो, क्या हो जाएगा A2. अब इसको पहले ब्रैकेट से निकाल लो, फिर अपन साथ में लिखेंगे. एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना अपने को, है ना. तो A1 माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस B1 ऑफ i. अब क्या करो, रियल पार्ट को ले लो साथ में और इमेजिनरी पार्ट को ले लो साथ में, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 प्लस, अब यहाँ पर क्या है, प्लस B2 माइनस B1 ऑफ i. ओके, तो इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 प्लस B2 माइनस B1 ऑफ i. ये आपका हो गया Z2 माइनस Z1 का आंसर. अगर आपको Z1 माइनस Z2 करना रहा, मतलब क्या कि सब्ट्रैक्ट Z2 फ्रॉम Z1, ऐसा क्वेश्चन रहा, तो आपको क्या करना पड़ने वाला है, फिर यहाँ पर पहले आपने जैसे A2 प्लस B2i लिया था, तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस B1i माइनस A2 प्लस B2i. मीन्स जब आपका आंसर जो है, फाइनल आंसर जो है, उसमें क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 ऑफ i, ये आपको आंसर मिलेगा. समझे आपको ये? तो अब अपन क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे और डायरेक्टली एग्जांपल से ही समझेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो अपने पास जो है वैल्यू दिए वाली है Z1 और Z2 की, तो आपके पास है Z1 इक्वल्स टू, चलो मेरे साथ लिखो भी, 3/4 माइनस 7/3 ऑफ i, और जो आपका Z2 है वो क्या है, माइनस 5/3 प्लस 11/5 i. ओके, दिखने में भले ही ये सिंपल लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा इजी है, पता है, बट मैथमेटिकल है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्वेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा. देखने से ओनली आपको समझ में आएगा, लेकिन जब सॉल्वेशन करोगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आएगी. ओके, तो आपको क्या करना है, जेड सब्ट्रैक्ट करना है Z1 फ्रॉम Z2. क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करनी है Z1 फ्रॉम Z2, मतलब क्या कि Z2 से Z1 को निकालना है. तो आपके पास क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1. ओके, अब Z2 माइनस Z1 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, Z2 लिख लो, क्या हो, माइनस 5/3 प्लस 11/5 i माइनस आपको क्या करना है, Z1. तो Z1 क्या आपके पास, 3/4 माइनस 7/3 i. ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, रियल को साथ में ले लो और इमेजिनरी को साथ में ले लो. सिंपल सी है, 5/3 माइनस 3/4. ओके, देन यहाँ पर आएगा प्लस 11/5 माइनस, अब यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होने वाला है. ओके, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको मिलेगा 7/3 और ये कॉमन में आए. अब बस इसको सॉल्व करो. अब इसका एलसीएम क्या है, 12 है. अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, 12 कर देना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 4 से और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 3 से. ओके, तभी इन दोनों का डिनोमिनेटर 12 आएगा और मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कॉमन आउट ले लिया. ओके, प्लस अब यहाँ पर क्या है, 5 और 3 का एलसीएम अगर मैंने निकाला तो क्या है, 15 है. तो 5 को 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई. तो 11 इंटू 3 प्लस 7 इंटू, यहाँ पर 3 को 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आप बोल सकते हो सिंपल में. तो 5 इंटू 3 और यहाँ पर आपका आए कॉमन. समझा यहाँ तक, क्लियर है? अब ये तो छोटे बच्चों के जैसे सॉल्वेशन हो गया है ना यहाँ पर. तो अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. क्या है, माइनस 5 इंटू 12 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका, माइनस 20 माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 9. ओके, डिवाइड बाय 12. ओके, यहाँ पर क्लियर है? प्लस प्लस के आगे क्या है, 11 इंटू 3 मतलब 33 प्लस 7 इंटू 5 मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, 35 अपॉन 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, 15 और यहाँ पे आपका आई. ओके, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या मिला, माइनस 29/12 प्लस 33 इंटू 35 कितना हो जाएगा आपके पास, 33 प्लस 35 क्या हो जाएंगे आपके पास, 68/15
ऑफ आई, समझा आपको ये? तो यहाँ पर जो आपका सब्ट्रैक्शन है वो खत्म होता है और मैंने आपको दो होमवर्क दिए हैं। होमवर्क देखो, याद करो कि ये जो आपका प्रॉब्लम है Z1 और Z2 है, इसको क्या करना है, आपको एडिशन करनी है। और जो मैंने आपको Z1, Z2, Z3 और Z4 एडिशन बताई थी, अभी उसमें क्या करना है, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 माइनस Z4 करना है। मतलब वहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। आपको क्या करना है, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 माइनस Z4 ये सॉल्व करके उसका आंसर देखना है, चेकआउट करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, Z1 और Z2 की एडिशन कर लेनी है। और अगर आपकी इच्छा होगी तो आप ये भी कर सकते हो, इसको शफल कर दो, Z1 माइनस Z2 भी कर आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो कि उसका आंसर क्या आता है। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है आपका क्लियर हो चुका होगा। अपन जब तक सॉल्वेशन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आता है। कोई बुक लो, HK दास ले लो और उसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्वेशन करो। अब HK दास की एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है वो अभी मैं आगे लेने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़े प्रॉब्लम्स मैं लूँगी, थोड़े प्रॉब्लम्स होमवर्क दे दूँगी, तो आप वहाँ से समझ कर ले लेना। ओके, समझा आपको ये? तो सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर क्लियर है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपकी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लीकेशन देख लेंगे। मल्टीप्लीकेशन के पहले अपन पावर ऑफ आई देखने वाले हैं। पावर ऑफ आई, आई मीन्स व्हाट, अवर आयोटा, जहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर जो लगा रहे हैं, आई 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 यूज कर रहे हैं, तो वो है आयोटा। तो आयोटा की पावर्स में कैसे फर्क पड़ता है वो सब अपन देखेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन पर जंप करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट कर मुझे जरूर बताना आपने होमवर्क जो है वो सॉल्व किया या नहीं किया, और आपको सॉल्व करते आया कि नहीं ये भी जरूर बताना। और प्लीज वीडियोस लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए हैं, तो उससे हमारी बूस्टिंग पावर बढ़ती है और हमें और अच्छे अच्छे वीडियोस करने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिजिक्स फ्लायर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।